औरैया के दिव्यापुर से प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे के संदिग्ध अपहरण का खुलासा हुआ है। एसपी सुनीति ने खुलासा करते हुए कहा कि प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे के खुद के फर्जी तरीके से अपहरण किए जाने की बात को सामने लाया था और 5 जुलाई को संदिग्ध हालत में दिव्यापुर रोड से मिली इको स्पोर्ट कार और उसमें खून से सने कपड़े मिलने के बाद परिजनों की ओर से अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने सारी डिटेल इकट्ठा करनी शुरू की, पूछताछ की तो हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमित खुद मथुरा में हाईवे पर हाथ पैर बंधी हुई हालत में पुलिस को मिला। अमित को औरैया लाने के बाद गहनता से पूछताछ की गई तो लोगों से लाखों रुपए उधार लिए जाने के बाद अमित ने बताई रुपया ना देने पर इस तरह से उसने एक साजिश रची, किसी ने उसका अपहरण नहीं किया बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से गया हुआ। उतनी भ्रष्ट है और क्या आप क्या बता सकते हैं आगे दिमाग में ऐसा अगर पर समझ नहीं आप लेने देने का लेने देने आप नहीं, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, पैसे क्या तगादा किया था तो नहीं उसे किसी ने ऐसा नहीं व्यापार है हमारा तो लेना देना था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पैसे दो तो मारेंगे या आपके हाथ हाथों पाए किस किसने बांधे थे जो आपने वहाँ मिले थे मथुरा में मथुरा में जो मिले थे हाथ पाए बंधे हुए थे किसने बांधा था वो सब सब मैंने कैसे लोकल अथॉरिटीज वहाँ काशी भी मथुरा आगरा मुजफ्फरनगर जहाँ जहाँ ये रस्ते में रुके हैं उन सबसे चीज़ें वेरीफाई करा रहे हैं। इन्होंने भी अपना जो जुर्म है उसको कबूला है, जो संबंधित मुकदमा है उसमें थाना तरमीम कर आज हम इनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है।